हूँ मनोहर वर्मा। मैंने अभी पावर योगा कोर्स किया था ज्वाइन, तब मुझे ऐसा लगा कि योगा ही पावर योगा में क्या होगा, बट मैंने देखा पावर योगा में बहुत सारी चीज़ें हैं। मैंने देखा यहाँ पे आसनों का एक समूह होता है जिसमें धीरे धीरे क्रमबद्ध तरीके से वो आसन एक के बाद किए जाते हैं, जिसमें शारीरिक क्षमता का ध्यान रखना पड़ता है। सांस प्रश्वास के साथ अपने को आसन करना है और अपने को शारीरिक क्षमता से ज़्यादा आसन नहीं करना है। अभी आप देखेंगे सबसे पहले पावर योगा अपने जो आसन में के बाद वहाँ पे वार्म अप होता शरीर का, जिसमें 12 से 9 मुद्राएँ होती है। पावर योगा जो आसन है मैं देखता हूँ कि बहुत बहुत बड़ी श्रृंखला है जहाँ पे आसनों का एक समूह है। जैसे हम बोलते हैं पावर योगा में एक फूलों की माला होती है जिसमें फूल एक के बाद पुरोए जाते हैं, वैसे यहाँ पे आसन जो रहते हैं एक के बाद एक आसन आते हैं, जिससे हमारे बहुत अच्छे आसन होते, शरीर प्रसन्न रहता है और पूरी क्षमता के साथ में आसन करना चाहिए। मैं आपको यहाँ पे आसन की पूरी श्रृंखला दिखाऊंगा, उम्मीद करता हूँ कि आपको सभी को पसंद आएगी। नमस्कार, हरिओम। पावर योगा कोर्स। शरीर में गर्माहट व शिथिल होने के कारण हमारे शरीर के हाथ पैर व टेंस एवं मांसपेशियों में तनाव खिंचाव इंजुरी हो सकती है। वार्मअप क्रिया द्वारा शरीर से कड़ापन व थकावट, शरीर में गर्माहट व शिथिल होने के कारण हमारे शरीर के हाथ पैर व टेंस एवं मांसपेशियों में तनाव खिंचाव व इंजुरी हो सकती है। वार्मअप क्रिया द्वारा शरीर से कड़ापन व थकान दूर हो जाती है, जो हमें आगे किए जाने वाले अभ्यासों के लिए लाभ पहुँचाती है और उन्हें सहज बनाती है। अगर आप प्रातः अभ्यास कर रहे हैं तो आपको संपूर्ण शरीर का वार्मअप करना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 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
12 में दोनों हाथ पैर के आसपास, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.